नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। I'm not.
बहुत अच्छी फिल्म है, टाइटल आप लोग देख ही रहे हैं, जाबाज पुलिस वाला, तो क्राइम के ऊपर कुछ ऐसा है, और बाकी आप लोग फिल्म देखेंगे तो और भी अच्छा ही लगेगा। फिल्म के हीरो है प्रमोद प्रेम जी, उनके बारे में कुछ कहिए, उनके साथ शायद आपकी पहली फिल्म है जी, आप दोनों साथ। हाँ बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे तो देखी हूँ, बट फर्स्ट बार उनके साथ काम कर रही हूँ, तो आई होप अच्छा ही लगेगा उनके साथ काम करके। आपके पार्टी में आपके डायरेक्टर लाइन हो गए फिल्म के, उनके बारे में कुछ कहेंगे, उन्होंने आपको थोड़ी सिखाई होगी, और ये तो दोनों फर्स्ट टाइम हुआ कि किस किया था? सर के साथ तो मुलाकात हुई थी एक दो बार, तो डिस्कस होते थे कि नहीं हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे साथ में, तो बहुत अच्छा फिल्म था ये, जिसके स्टोरी जब मैं सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा स्टोरी, तो डिसाइड कर ली नहीं करूँगी। सर कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है आप, तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए कि कैसे स्टार का फाइनलाइज किया आपने, और थोड़ा सा कहानी के बारे में बताइए कि कैसे लोग कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली कहानी के बारे में तो अभी कुछ अभी नहीं करेंगे, क्राइम बेस्ड स्टोरी है, और प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं, जानवी जी हीरो हैं, मधु सिंह जी है साथ में, और हमारे प्रोड्यूसर राहुल खान, तो संजय पांडे हैं, ये सारे लोग हैं, एक क्राइम बेस्ड स्टोरी है। जैसे कि हम पोस्टर में देख रहे हैं प्रमोद प्रेमी भी है, चांदनी भी है, कैसे फाइनलाइज किया आपने और कैसे सोचा कि ये दोनों मतलब होने चाहिए? क्या बस एक डायरेक्टर का सोच होता है, बस वो हर चीज अभी नहीं करना चाहते हैं क्या। तो केमिस्ट्री कैसे मतलब दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में कैसी होने वाली है, क्या अच्छी अच्छी रहेगी? अच्छी रहेगी, नेचर वाइज प्रमोद जी भी बहुत अच्छे हैं, चांदनी जी भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छा ही रहेगा। और कहाँ पे शूट करने का प्लान है? क्योंकि ये यूपी में करेंगे, यूपी में शूट करेंगे। और कहाँ कहाँ शूट होने वाली है? तो यूपी यूपी। और कब से ऑन फ्लोर जा रहे हैं? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। यूपी का लोकेशन क्या होगा? यूपी का गोरखपुर, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर। गाने कितने हो? गाने 8 गाने हैं, जो जिसका म्यूजिक दिया कृष्णा बेदर्दी कर रहे हैं म्यूजिक, और बहुत अच्छे गिटार भी हैं कृष्णा बेदर्दी, सारे लोग जानते ही हैं। कब तक संभावना है? अभी तो नेक्स्ट मंथ शूटिंग होगा, उसके बाद फिर। अभी आपकी फिल्म जो है यूट्यूब पर रिलीज हुई, जो कि बहुत अच्छा सफलता मिला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम नसीब फिल्म के जितने हमारे टेक्नीशियन लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि उन लोगों ने सपोर्ट किया और इतनी अच्छी फिल्म बनाई कि आज रिस्पॉन्स अच्छा। चांदनी जी आपको क्या खास बात लगी इस फिल्म में, जो आपने इस फिल्म को मतलब या फिर ऑन बोर्ड आने की खास बात की? स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं था, और प्रमोद जी के साथ पहली बार काम कर रही थी, तो ये भी एक इंटरेस्टेड ही था कि पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ। तो आपको यूट्यूब स्टार कहा जाता है, ढेर सारे गाने आपके, आप तो भी क्रिक पार्टनर गाना हिट हुआ जी, क्या कहना चाहिए इतनी बड़ी सफलता जो दिन दिन आपको मिलती जाए? क्रिक फाइटर का सॉन्ग हाँ सुपर हिट हुआ, तो तहे दिल से अपने सारे श्रोता लोग को धन्यवाद कहेंगे, जो इतना सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी चांदनी को, और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि एल्बम से फिल्म तक लाएं, आगे बैक टू बैक ढेर सारी मैं मूवी करूँ। अच्छा तो ये तो नहीं पता था हमें। तो सर को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और ढेर सारी उनको खुशियाँ मिले, और इस अभी केक काट के मनाया जाएगा, अभी केक काट जाएगा। मेरा जी आपने किस तरह प्लानिंग किया उनका बर्थडे? अभी दिखेगा, अभी सब प्लानिंग जो है सरप्राइज दिया जाएगा, सरप्राइज दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी मूवी है ये, और पहली बार प्रमोद जी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे हम, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो सबको पसंद आएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद इस फिल्म को ढेर सारा दीजिएगा। और ये मधु जी हैं जो जी के साथ में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रही हूँ, और मैं उनके साथ, ये मेरी थर्ड मूवी है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, और उनका नेचर बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आज सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले करेंगे, सरप्राइज सरप्राइज।
7 तारीख रखा गया था, तो बर्थडे की वजह से फिर वापस 9 तारीख किया गया है। हाँ जी, और ये खुलासा हो गया? खुलासा हो गया पहले, वो पंकज भाई ने हमारे पहले ही खुलासा कर दिया जी। तो आपको जो सरप्राइज मिलने वाला था, हाँ वो बेकार हो गया। क्या चीज़? बस यही कहना चाहेंगे, अच्छे से बन जाए और सब एक्टरों का सपोर्ट बढ़िया रहे। सब कैरेक्टर के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, महराज भाई बताएंगे। अरे उनको बैठाएंगे ना, खड़ा अब ये छोड़िए उनको। मधु जी पहले हमारी एक फिल्म में काम कर चुकी है, मेरे फ्रेंड की मूवी थी, दोनों ने सत्या बना की थी, तो वहीं से फिर इनसे कॉन्टेक्ट हुआ। और मैं कोशिश करूँगी मैं बहुत अच्छे से किरदार निभाऊँ और लोगों के दिल में उतर जाऊँ। और मुझे बहुत शौक था इंस्पेक्टर बनने का, और फर्स्ट टाइम मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। सर एज अ प्रोड्यूसर कितना इजी और डिफिकल्ट था आपके लिए, और मतलब कितना चैलेंजिंग था इस फिल्म को? चैलेंजिंग ऐसा कुछ ना कुछ खास नहीं था, दो चार लोगों से मिला, फिर लास्ट में महराज भाई से मिला, उसके बाद जाके हो गया। सर ग्रेट है, उनके लिए सब कुछ ईजी है। सबसे पहले सब दर्शक भाई लोग और मीडिया जो भी भाई सबके नमस्कार प्रणाम करते हैं। प्रमोद प्रेमी, आज हमारे फिल्म जबाज पुलिस वाला के बहुत भव्य तरीका से मूर्त भाई, और तहे दिल से मिराज खान जी के हम धन्यवाद देल चाहते नहीं। और प्रोड्यूसर हमरे ध्यान आरुला खान जी के, और बड़े भाई हमरे कृष्णा बेदर्दी जी जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, सभी लोग के धन्यवाद। किरदार के बारे में बताइए। इसमें किरदार हमार पुलिस अफसर की दिखाई देता, अभी तो स्टोरी वगैरह सुन लेने के बाकी पोस्टर देख के बुझाता कि मैं हमारे पुलिस वाला अफसर बनी हूँ, और अच्छा ही स्टोरी हो या अच्छा एक ए, ए, अच्छा है, मैं हमारे करेक्टर भी हुई। गांधी जी आप बताएं जरा अपने बारे में, आपको अपने कोई स्टोरी या करेक्टर बताया गया हो? कुछ पता है, बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, इसके लिए साइन की फिल्म और प्रमोद जी के साथ पहली बार और भी अच्छे नहीं लगे। आप प्रमोद प्रेमी के साथ पहली बार आप फिल्म शेयर करेंगे, इससे पहले तो आप फर्स्ट बार पवन सिंह के सारी लाइन का काम करेंगे। अब पवन जी के साथ काम करने के लिए जब फिल्म आपको ऑफर हुई थी, क्या सोचा आपने? इनका एल्बम देखे हैं, अच्छा एक्टर हैं चांदनी जी, और इनका काफ़ी हम एल्बम देखे हैं, और पहले बार इनके साथ हम काम करेंगे। एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि फिल्म शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी होता है, जानने की कोशिश करेंगे कैसे काम करेंगे। अच्छी आर्टिस्ट अच्छी हैं चांदनी जी, और अच्छे से हम लोग मिलकर काम करेंगे इस पर। अच्छा जी, जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। बताइए सर आप म्यूजिक वाली जिम्मेदारी की जरा बात बता दीजिए। गाने वाने जितना होगा हम अच्छा करेंगे, और शुरू से ही हम लोग अच्छा किया है, और भाई का हमारा बहुत जोड़ी अच्छा चलता है,
अभी बहुत अच्छा गाना हिट हुआ है मार्केट में और इस फिल्म का भी जिम्मेवारी मिला है तो हम बहुत अच्छे से निभाएंगे इसको जो भी होगा। प्रगति, मैंने आपकी फोटो देखी, आप थोड़ी देर पहले आपके किसी फ्रेंड ने डाला था एयरपोर्ट से, कहीं और थे आप, स्पेशली इसी फिल्म से आप मुंबई आए, जी क्या कर रहे थे? इसके पहले हम बनारस में भी शूटिंग कर रहे हैं एक फिल्म का, वहाँ से कल मेरा शो था, पटना गए, पटना से डायरेक्ट यहाँ आए, फिर कल बनारस चले गए। मतलब आधा हिंदुस्तान तो आप भूल गए। हाँ हाँ नहीं, कल शो था, शो से डायरेक्ट हम यहीं पर आ गए। अभी भ्रमण हो रहा है, भ्रमण हो रहा है। अच्छा, कहा किसी ने मुझे फेसबुक पे आपके किसी मित्र ने, किसी फैन ने शायद लिखा था कि 2019 के सबसे ज्यादा हिट गाने आपने दिए हैं, आप इस बात को सच मानते हैं? मुझे बताइए। सब आप सबके कृपा, आप सबके दर्शक भाई लोग के प्यार दुलार की 2019 में सबसे काफी गाना बजल, आप सबके प्यार आशीर्वाद और बड़े भैया कृष्णा बेदर्दी जी का बहुत बड़ा योगदान है 2019 में गाना बजे में। हाँ, कृष्णा जी का गाना भी 5-6 गाना हिट हुआ है। हाँ, एक अभी गाना भी हिट हुआ है इनका, हाँ बहुत कॉमेडी सॉन्ग है कि नहीं खाला ना खाए देला, सुन माई रे वो कर खेला, हिक भर लाड़े कब खर खड़े अगवे दिला निहुराई, अरे दो गलावा मरता है माई। एक महीना में 5 करोड़ एकर व्यूअर गाना प्रमोद प्रेम एंटरटेनमेंट हमारा चैनल से। हाँ, तो कृष्णा भैया गाना और इन्हें गौले हम अपने चैनल से कि फेक मुसर जबाना ही दूसर बा, कि हन केरा पेरे वाला जूसर बा, कि फेक मुसर जबाना ही दूसर बा, कि हन केरा पेरे वाला जूसर बा, बकलाई मुलायम नरम कके नई हर से ए राजा नई हर से, कि कके नई हर से आई हूँ बिकम्बलम, हर बेला नवाना धर बे चलवनी कलम। बहुत काफी एकरो गाना के प्यार मिलल बाप सबके से बात से। देखी अभी कांवर बहुत बढ़िया बढ़िया कृष्णा जी गाना लिखले बड़न भैया हमारा, शंकर सिंह के म्यूजिक में गाना में अभी को बड़ा टिकटॉक पर भी हिट भइल बा हमर गाना। अरे कि बेल के पतैया पर लिख तानी लेटर, हर बेल के पतैया पर लिख तानी लेटर, देखी भोले बाबा कई दिहे सिग्नेचर में हरा रू मिली बेटर, में हरा रू मिली बेटर। बहुत ही अच्छा गाना अभी चला था। अभी पुलिस वाले का किरदार बहुत लोगों ने निभाया है, जैसे केसारी की बात करें या फिर पवन जी की बात करें, सलमान खान ने निभाया है, अक्षय कुमार, तो आप इस किरदार में जाने के लिए क्या तैयारियां करने वाले हैं, क्या इन लोगों से कुछ इंस्पिरेशन लेने वाले हैं किरदार के लिए? इसके पहले मैं फिल्म किए थे मैं हूँ सुपर किंग डॉन, उसमें भी मेरा पुलिस अफसर का एसपी का करेक्टर था। आप पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा हम भी ये रोल करें। तो अब तक का बेस्ट किरदार कौन सा लगा है, अगर जो मैंने नाम मेंशन किए उसमें से अगर आप कुछ बताएं? जो मिलता आदमी करता है, डायरेक्टर साहब लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं, वर्दी किस पे सबसे अच्छी लगती है प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल पे, पवन सिंह पे, सलमान खान पे, निरहुआ पे, किस पे सबसे अच्छी वर्दी आपको लगती है? सब पे वर्दी अच्छा लगे, ऐसा बात नहीं, जेकरा पर वर्दी चढ़ जाए वो अच्छा लगे लगेगा। वर्दी में ऐसा एगो जुनून होला, केहू भी अगर वर्दी पहन लेला तो ओकरा अंदर उस ताकत उ जज्बा आ जाला, निकला गया लगे। वैसे प्रमोद जी ने कई सारे गाने सुनाए चांदनी जी, बहुत सारे हीरोइने उन्होंने गाना शुरू कर दिया, जो कि पहले अभिनेत्री थी, भोजपुरी में बड़ी इजी चीज है, गायक हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बननी चाहती है, लेकिन यहाँ पे हीरो हीरोइन गायक बनना चाहते हैं। आप भी गाने का ख्याल रखती है? क्यों ऐसा आपको लगता है आप गा नहीं सकते? नहीं गा सकते, कभी सीखी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। आपको लगता है जो लोग गाते हैं उन्होंने सीखा है? हाँ सीख। गाना क्यों नहीं चाहती है चांदनी सिंह? आवाज अच्छी नहीं है इसलिए। अच्छा, इतने सारे लोग, आप लोग ये थोड़ा सा गाएं, आप लोग बताओगे कि आवाज अच्छी है या नहीं, थोड़ा सा सुनाइए, देखिए कैसी अच्छी है। गाना गाते हैं, हमें सुनना पसंद है, जैसे ये प्रमोद जी का मुझे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बेलनवा, क्या था ना, जो देखिए जो कलाकार एक्टिंग करता है डांस करता है वो जरूर गाता होगा, बिना गाए हुए कोई इंसान एक्टिंग चाहे डांस नहीं कर पाएगा।
चांदनी जी गाती हैं, शर्मा रही। अगर सीखना चाहे तो सिखाना चाहेंगे? मिराज भैया को बुलाए, बैठक को बैठक। मिराज भैया के साथ हमारा पहला फिल्म होके वाला बा और पूरा विश्वास हमारे कि भैया हमारा अच्छा से प्रेजेंटेशन करस और अच्छा से वो फिल्म के एक्टिंग कर। अभी कहानी लिख नहीं करना है, लेकिन एक क्राइम बेस स्टोरी है और उस क्राइम को इंस्पेक्टर एक आके वहाँ से खत्म कर, और बाकी प्रमोद जी हैं, इनका बहुत अच्छा नेचर है, तो मैं फर्स्ट बार हम लोग फिल्म कर रहे हैं, चांदनी जी हैं, तो ये अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और कृष्णा त्रिपाठी जी हैं, ये म्यूजिक कर रहे हैं, ये भी अपना बहुत अच्छा से अच्छा करेंगे। बस ये पूरी टीम है, मिलके हम लोग एक अच्छा फिल्म देने की। आपको क्यों लगता है कि ये किरदार प्रमोद ने बेहतर कहा? एक्चुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे दिमाग में आया कि ये बेटर कर सकते हैं, तो मैंने इनको कोई तैयारी आप करवाना चाहते हैं फिल्म से पहले? तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तैयारी, बस बॉडी जिम ये सब चालू है, उनका तैयारी चल रहा है। नहीं भैया, थोड़ा लगातार शो वगैरह चाहे शूटिंग वगैरह अभी तो 2-3 महीने से लगातार है, आदमी 7-8 महीने से लगातार, तो शरीर पर भी ध्यान बा और काम पर भी ज़्यादा ध्यान। इसलिए एक हीरो के लिए वही दिखता है, वही तो सब कुछ है, उस पर तो ध्यान देना ही जरूरी है। जैसे टाइम मिलता है हम लोग अपना शरीर पर ध्यान देते हैं, पहले काम उसके बाद। पहले काम उसके बाद। अच्छा, इससे पहले तो आप गुंडे बदमाश और ऐसी फिल्में करते थे, कैरेक्टर जो था मुन्ना मवाली, ये इन इन रोल पे आप ज़्यादा हिट हुए हैं जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अचानक परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है वर्दी में, पुलिस अफसर की लगता है ऑडियंस से एक्सेप्ट करेंगे? चलिए, अपने से प्रयास हम करेंगे कि ऑडियंस हमको जैसे जो फिल्में चाहे जो गाना से हमको प्यार करती है उसी तरीका से हम भी फिल्म करेंगे, वो हमको एक्सेप्ट करें, मेहनत करेंगे। ये फिल्म पूरे यूपी में शूट करना है, जैसे गोरखपुर हो गया, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर और कुछ नेपाल में भी करना है, सकते हैं। वन शेड्यूल नेक्स्ट मंथ में है, वन शेड्यूल तो पहले शूटिंग हो जाए उसके बाद बनके तैयार होने के बाद बोला जाएगा। वो तो बाद में रिलीज डेट बाद में होगा। पूरे गाने इनके ही हैं, ऑब्वियसली ये सिंगर हैं तो इनके ही गाने हैं पूरे, अभी मार्केट में सारा हिट चल ही रहा है। गांधी जी आपको भी कुछ कहना है? कोई गाना सुनना चाहती हैं प्रमोद प्रेमी से आप? कोई स्पेशल डिमांड पे? हां, फोटो लगा के गाना वाला लेना वाला गाना एक बार फिर गांधी जी के स्पेशल रिक्वेस्ट है प्रमोद। देखिए, वो गाना हमारा काफी वायरल अभी भइल बा। चलिए रोल, तो काफी हमारा गाना भी वायरल हुई सावन में। हर की जना है कमरियन के बीचे, बलम कोई फोटो ना खींचे, खड़े रहना मेरे पीछे, अरे बलम कोई फोटो ना खींचे। बहुत ही अच्छा गाना कृष्णा भैया के, ये अभी बहुत काफी चला था अभी गाना, ये बोल बम। आप फोटो के लिए बना कर रहे थे, राम भाई तो वीडियो बना रहे थे। सर बात कीजिए, फिल्म के निर्माताओं का बर्थडे मनाया गया। जी जी, और आज फिल्म के जो निर्माता निर्देशक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.